प्रधानमंत्री की प्रेरणा से जनपद फतेहपुर के अमौली ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत मवई में जिले की पहली अमृत वन वाटिका बनकर तैयार हो गई है, जिसमें रुद्राक्ष, तेजपत्ता, लौंग, हरसिंगार, नीम समेत अनेक 180 औषधीय पौधे रोपित किए गए हैं। ये सुंदर अमृत वाटिका लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में अमृत वाटिका तैयार हो, जिसमें औषधीय पौधों को लगाया जाए। ये औषधीय पौधे अमृत वन वाटिका में भी पनपेंगे और लोग प्रेरणा लेकर अपने घरों में भी से लगाएंगे। इस अमृत वाटिका के शुद्ध वातावरण में लोग सुबह शाम भ्रमण भी करेंगे। लोगों का कहना है कि यह अमृत वन वाटिका हमें पूर्वजों, प्राचीन शैली व आयुर्वेद से जोड़ने का काम करती है। इस मॉडल से ग्रामीण सीख लेकर अपने घरों में भी इस तरह की वाटिका तैयार करेंगे। इससे अच्छा जलवायु भी अच्छा यहाँ का होगा, मानसून भी अच्छा होगा और इससे लोगों को प्रेरणा भी मिले कि आप अपने घर में अगर औषधि पेड़ लगा सकते हैं तो यहाँ पे अच्छा या कोई दवा रूप में भी कार्य कर सकते हैं, विस्तार हो सकता है इसका। इसमें अपना नंबर एक तो रुद्राक्ष का पेड़ है, दूसरा इसमें आपका तेज पत्ता की पेड़ है, गरम मसाला भी पेड़ है, इसमें लौंग का भी पेड़ है, इसमें आपका हर श्रृंगार का पेड़ है जो आपकी साटिका में विशेष हर श्रृंगार काम करता है और अन्य औषधि पेड़ है जो बहुत सारे है। ये फतेहपुर जिले के विकास खंड अमौली अंतर्गत मवई ग्राम पंचायत में अमृत वन वाटिका मोदी जी की प्रेरणा से बनाई गई है और अमृत महोत्सव का एक बहुत बड़ा ये सपना था मोदी जी का कि प्रत्येक गांव में अमृत वन वाटिका बने जिसमें औषधीय पौधों को लगाया जाए। ये औषधीय पौधे हमारे अमृत वन वाटिका में भी पनपेंगे और इससे प्रेरणा लेकर लोग अपने घरों में उपयोगी औषधीय पौधों का भी रोपण करेंगे जिससे उनको लाभ मिलेगा। विकास खंड अमौली की धरती में ये प्रथम अमृत वन वाटिका है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है औषधि पौधों से युक्त ऐसी अमृत वन वाटिकाओं को बनाने का, ये एक हमें अपने पूर्वजों से, अपनी प्राचीन शैली से, आयुर्वेद से हमें जोड़ने का काम करती है और ये युग पुरुष आदरणीय स्वामी परमानंद जी महाराज जो ट्रस्टी हैं अयोध्या धाम के, उनकी जन्मभूमि है और यहाँ से इसकी शुरुआत, ये बहुत ही पावन पुनीत है।